नमस्कार, इंडिया पोस्ट यूपी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होने वाला है, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ये क्या कह दिया, देखिए हमारी रिपोर्ट। कभी कोई बात नहीं रखनी है, जैसा धर्म है हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर, मान लीजिए गोवर्धन अभी हमने त्योहार मनाया, कृष्ण भगवान ने अपनी इस उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया, वो इसीलिए उठाया ना कि उस समय जो भगवान थे उनका अहंकार दूर करने के लिए, अपने किसानों को जो या जो गरीब थे उनको इकट्ठा कर करके जो भय था उनके अंदर, उस भय को दूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन उठाया, नहीं उठाया। अभी भी चल रहा है त्योहार, अभी भी समय उस त्योहार में खत्म होने का। तो हमारे धर्म में कभी कई बार कई तरह की बातें आ जाती हैं, लेकिन हमारी पार्टी का मानना है कोई धर्म पे कुछ नहीं करे, जैसा धर्म है वैसा स्वीकार करो, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई चलती रहे, जाति जनगणना की लड़ाई चलती रहे। एक ओर समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जैसा धर्म है हमें वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया अहंकार दूर करने के लिए, सामाजिक न्याय जातीय जनगणना की लड़ाई चलती रहेगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि सपा सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, सपा पर अल्पसंख्यक नौजवान महिलाओं को भरोसा है, बीजेपी ने जनता को सम्मान नहीं दिया, जन जागरण होगा, जातीय धर्म के आधार पर नफरत फैलाई जा रही है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि 25 नवंबर को बिजनौर में इसका समापन किया जाएगा। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया और कहा कि मध्य प्रदेश में सही समय पर यह निर्णय नहीं लिया होता तो लाल टोपी और साइकिल को मांगने वाला कोई नहीं होता, नतीजे अच्छे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट, यूपी उत्तराखंड। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना।